हरि ओम ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। इष्टे महाराज शिव शंकर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आई वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत से लोगों के ये प्रश्न रहते हैं जो कि खास करके नास्तिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं कि भगवान को भोग क्यों लगाया जाता है, वो खाते तो है नहीं, फिर ये आडंबर क्यों, ये प्रपंच क्यों, ये सब ढोंग है, यदि वो होते तो आते खाते, ये सब ऐसे ये इतना इतना चढ़ाते हैं। कुछ लोग बहुत सी बातें कहते हैं कि शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाते, इससे बढ़िया गरीबों को बांट दो, ऐसा कर दो। बड़े मतलब बहुत ज्ञानी लोग समाज में हैं। हम तो कहते हैं कि भगवान ऐसे ज्ञानी और पैदा ना करे क्योंकि पहले ही बहुत है। देखिए धर्म कर्म विषय अलग है और ये विषय अध्यात्म में ये अलग है। हर चीज का अपना महत्व होता है। अब यदि तो व्यक्ति ने किसी ने समझना ही नहीं है तो फिर उसके लिए तो दुनिया सीधी है, उसके लिए तो दुनिया गोल है। ये दुनिया गोल है क्योंकि उसने ग्लोब देखा है तो वो तो गोल ही होता है, इसलिए उसके लिए दुनिया गोल है। सेब भी गोल है तो दुनिया गोल है। तो अपनी अपनी सोच होती है व्यक्ति की। देखिए भोग हम क्यों चढ़ाते हैं, ये बात सही है कि वो ग्रहण नहीं करते, लेकिन कैसे ग्रहण करते हैं। अब कुछ लोग इसमें लॉजिक भी देते हैं कि उनके मुख के पास रखें, वो वहां से ग्रहण करेंगे। देखिए वो एक भाव है, वो भाव है एक भक्त का। यदि भाव इतना निर्मल है परम पूज्य रामकृष्ण परमहंस जी बहुत बड़े भक्त हुए, उनको मां काली का साक्षात्कार हुआ और ये कहा जाता है कि जब वो भोग लगाया करते थे तो पहले वो खुद ग्रहण किया करते थे और फिर माँ को लगाते थे और माँ काली उस जो वहाँ पर माँ काली की मूर्ति थी वहाँ से माँ काली आके उनके पास बैठती थी और भोग ग्रहण करती थी। तो ये भक्त का भाव है। माँ शबरी ने उनके पास बैर थे तो राम जी ने वो भी खा लिए थे। अब कुछ लोग कहते हैं कि राम जी आए थे जी, शबरी ने झूठे बैर ही क्यों खिलाए। अब उन्हें थोड़ी ना पता था कि राम जी आने वाले हैं, वो तो बैर खा रही थी, वो तो बैठी थी बैर खा रही थी और अचानक परमात्मा आ गए। तो जब परमात्मा आ गए तो वो परेशान हो गई, वो परेशान हो गई कि अब क्या करें। तो उनके हाथ में जो बैर थे वही उन्होंने दे दिए। परमात्मा साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, वो आपके सामने प्रकट हो जाए तो उस वक्त आप कुछ और थोड़ी ना सोचेंगे। यहाँ तो यदि घर में कोई मेहमान भी आ जाए, ऐसा मेहमान कोई पहली बार आपके घर में आ रहा है और जिसके लिए आप जिसको आप मानते हैं और पहली बार वो आपके घर में आ रहे हैं, बहुत आपके दूर के रिश्तेदार हैं मान के चलो, कोई बहुत करीबी हैं, तो फिर भी आप एकदम हो जाते हैं कि क्या बनाए क्या करें क्या करें। अब जहाँ तो परमात्मा स्वयं आ रहे हैं तो उस वक्त तो स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ा सा परेशान इंसान हो जाता है। माँ शबरी उस वक्त उनके हाथ में बेर थी, वो खा रही थी, तो प्रभु जी ने उनके भाव को देखा और बेर खा लिए थे। विदु रानी जी जब कृष्ण जी वहां पे गए तो विदु रानी जी को यही पता नहीं चला कि क्या करना क्या नहीं। विदु रानी जी ने केला का जो छिलका था गलती से वही खिला दिया परमात्मा को, उन्होंने अच्छे से ग्रहण कर लिया। तो कहने का मतलब है परमात्मा खाते क्या है, आपकी श्रद्धा सुमन, आपका श्रद्धा भाव। यदि श्रद्धा भाव से
यदि आपने कुछ भी उनको समर्पित कर दिया तो वो खा लेते हैं। 56 भोग लगाइए आप, यदि आपके मन में ये भावना आ गई कि मैं लगा रहा हूं, मैं तो ऐसे कर रहा हूं, मैं तो कभी नहीं। वो अहंकार, परमात्मा का भोजन क्या है? अहंकार। परमात्मा सबसे पहले अहंकार को ग्रहण करता है। क्यों? मैं, व्यक्ति के अंदर मैं जो है ना, मैं माई सेल्फ, मेरा मेरा मेरा, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, कुछ किसी का नहीं। परमात्मा यही बताते हैं। अब देखिए, एक छोटी सी बात समझिए, आप एक दुकान से कुछ लेके आए, मिठाई लेके आए, लड्डू लेके आए, आपको किसी ने पूछा भाई इसमें क्या है, तो आपने कह दिया इसमें लड्डू हैं। बोले किसके हैं? आपने कह दिया मेरे हैं। मेरे हैं भाई, मैंने पैसा दिया है तो मेरे हैं। वही लड्डू आपने मंदिर में जाके ले गए, आपने चढ़ा दिए, भगवान को चढ़ा दिए, कृष्ण को चढ़ा दिए, राधा रानी को चढ़ा दिए, हनुमान जी को चढ़ा दिए, गणपति जी को चढ़ा दिए, शिव को चढ़ा दिए, माँ जगजननी को चढ़ा दिए। फिर उसके बाद जब आप वहां से निकले तो आपको किसी ने पूछा इसमें क्या है, तो आपने क्या कहा? इसमें प्रसाद है। बोले किसका है? इसको आपने चढ़ाया था, हनुमान जी का है, माता रानी का है, शिव का है। उसका भाव बदल गया। कहने का तात्पर्य, पहले क्या था? पहले आपके अंदर एक अहंकार था किसमें क्या है, कि हाँ मैंने लाए हैं लड्डू है, मैंने लाए हैं, मैंने पैसा खर्च किया है, अहंकार है वो, और मेरे हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कहने का तात्पर्य ये, हम अपना अहंकार जो होता है हम समर्पित कर दे कि हे परमात्मा ये लीजिए, ये मेरी ओर से है, मेरा है, ये मैंने आपको समर्पित किया, मैंने समर्पित किया। तो वो भाव देखते, भाव के भूखे होते भगवान, भाव से तृप्त होते हैं प्रभु। ईश्वर के पास कोई कमी नहीं है, उसके पास कमी है तो केवल एक चीज की, दुख नहीं है उसके पास, ईश्वर के पास दुख नहीं है, इसीलिए वो दुखों का हरण करते हैं। जब हम जाते हैं कि हे परमात्मा, कोई ऐसे जाता है मंदिर में कि हे परमात्मा मेरा सुख ले लो, मुझे दुख दे दो? कोई नहीं, आज तक कोई हुआ ही नहीं ऐसा। सब जाते हैं कि हे परमात्मा मेरा दुख खत्म कर दो, मुझे सुख दे दो, मेरे दुख ले लो, हर लो। तो वो दुख कहाँ जाता है? कहीं तो जाएगा ना, गिव एंड टेक तो है, आपने कुछ दिया तो फिर आपको मिला, आपने आपका दुख उन्होंने लिया तो आपको उन्होंने सुख दिया, आपके पाप कर्म खत्म हुए। दुख और सुख हमारे पाप कर्मों के अनुसार हमें मिलता है, हमारे कर्मों के अनुसार। अच्छे कर्म हो गए तो हमें, हमारे जो पुण्य हो गए जागृत हो गए, बुरे कर्म हो गए तो फिर पाप कर्म जागृत हो गए। तो ये चीजें है, अहंकार को ईश्वर के चरणों में समर्पित करके, खुद को ईश्वर का समझ के, यही मतलब होता है। जब भी आप भोग लगाएं, इस सोच से लगाएं कि हे परमात्मा ये मुझसे बन पड़ा, ये सब भी सही, सब भी आपका ही है, मेरा नहीं है, ये सब कुछ तूने दिया है, मुझे भी जो मिल रही है दो रोटी, ये भी तेरी वजह से मिल रही है, जो मैं जीवन जी रहा हूँ सब कुछ तेरा है, तेरा दिया है, सब कुछ तूने दिया है, मेरी औकात नहीं। एक बहुत सुंदर सी लाइन है, इतना दिया मेरे मालिक ने मुझे कि जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे मालिक का, वरना मुझ में कोई बात नहीं। ये भाव जिस दिन आपके जीवन में आ जाएगा, लेकिन आना ये केवल दिल से चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने कहीं पढ़ा और फिर रट दिया, ऐसा नहीं, भाव अंदर से आना चाहिए, दिल से भाव आना चाहिए। परमात्मा आपके सामने प्रकट होने में देर नहीं लगाएंगे, लेकिन दिल से भाव होना चाहिए। ये थी जानकारी, छोटी सी, अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यदि आपका मन करे तो, अन्यथा रहने दे। आज वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।